आदम और हव्वा, मानवता की उत्पत्ति की कहानी। आदम और हव्वा बाइबल की पुस्तक उत्पत्ति में पहले मानव और महिला के रूप में वर्णित हैं। इनकी कहानी न केवल मानवता की उत्पत्ति को दर्शाती है, बल्कि नैतिकता, पाप और उद्धार की गहरी समझ भी प्रदान करती है। इस लेख में हम आदम और हव्वा की कहानी का विस्तृत विश्लेषण करेंगे और इसके आध्यात्मिक और नैतिक संदेशों को समझेंगे। सृष्टि की कहानी। परमेश्वर ने 6 दिनों में सृष्टि की रचना की और 7वें दिन विश्राम किया। 6ठे दिन उन्होंने अपनी सर्वोत्तम रचना मानव को बनाया। आदम को मिट्टी से बनाया गया और परमेश्वर ने उसकी नाक में जीवन की सांस फूंकी, जिससे वह जीवित आत्मा बना। इसके बाद परमेश्वर ने आदम को अदन की वाटिका में रखा, जहां उसने हर प्रकार के पेड़ पौधे और जानवरों को नाम देने का काम सौंपा। हव्वा की रचना आदम के लिए अदन की वाटिका में साथी की आवश्यकता थी, इसलिए परमेश्वर ने आदम की एक पसली से हव्वा को बनाया और उसे आदम की साथी के रूप में प्रस्तुत किया। हव्वा की रचना से यह स्पष्ट होता है कि परमेश्वर ने मानवता को साझेदारी और परस्पर सहयोग के लिए बनाया। अदन की वाटिका। अदन की वाटिका एक स्वर्गिक स्थान था, जहां आदम और हव्वा ने निर्दोषता और आनंद में जीवन व्यतीत किया। परमेश्वर ने उन्हें एक आज्ञा दी थी, तू भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल मत खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा, उसी दिन तू निश्चय मर जाएगा। उत्पत्ति 2:17। यह आज्ञा उनके स्वतंत्र इच्छा के उपयोग और उनकी विश्वास योग्यता की परीक्षा थी। पाप की प्रवेशिका। शैतान ने एक सर्प के रूप में आकर हव्वा को भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल खाने के लिए प्रलोभित किया। हव्वा ने फल खाया और आदम को भी दिया। इस प्रकार उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया और पाप की दुनिया में प्रवेश किया। इसके परिणाम स्वरूप उन्हें अदन की वाटिका से निकाल दिया गया और उन्हें कष्ट और मृत्यु का सामना करना पड़ा। परिणाम और शिक्षा। आदम और हव्वा की पापमयता के कारण मानवता को कष्ट, पीड़ा और मृत्यु का सामना करना पड़ा, लेकिन इसके साथ ही परमेश्वर ने एक उद्धारकर्ता का वादा किया, जो पाप और मृत्यु पर विजय प्राप्त करेगा। यह वादा यीशु मसीह में पूरा हुआ, जिन्होंने अपने बलिदान के द्वारा मानवता को उद्धार का मार्ग प्रदान किया। निष्कर्ष। आदम और हव्वा की कहानी हमें अनेक महत्वपूर्ण शिक्षाएं देती है। यह हमें स्वतंत्र इच्छा, विश्वास योग्यता और पाप के परिणामों की समझ प्रदान करती है। साथ ही यह हमें परमेश्वर के असीम प्रेम और अनुग्रह का भी परिचय देती है, जिसने मानवता के उद्धार के लिए अपने पुत्र यीशु मसीह को भेजा। आदम और हव्वा की कहानी हमें यह सिखाती है कि भले ही हम पाप में गिरें, परमेश्वर हमेशा हमारे लिए उद्धार का मार्ग तैयार रखता है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष दें। इस वीडियो को शेयर जरूर करें और इस फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल जीसस ऑनलाइन चर्च को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें, ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।